Hey guys, welcome to my channel. और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा फेस पैक आपकी स्किन के लिए. आपने जस्ट जब मेरा फर्स्ट फेस ऑफ वीडियो देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि मुझे यहाँ पर ना कुछ मार्क्स थे पिंपल्स के जो कि वो डार्क स्पॉट छोड़ गए थे. लेकिन कंटिन्यूसली आपके साथ जब से मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, रेमेडी शेयर कर रही हूँ, तो आप खुद देख रहे होंगे कि मेरी स्किन पर कितना ज़्यादा फ़र्क लग गया है. ना कि सिर्फ मार्क्स चले गए हैं बल्कि आपको स्किन पर भी काफ़ी फ़र्क लग रहा होगा. अगर आप भी एग्री करते हो इस बात से तो कमेंट करके नीचे बताना मत भूलना. आज का जो फेस पैक है वो मैं जिस वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहूँगी, एक छोटी सी स्टोरी है. वो ये कि हम लोगों का फ्रेंड सर्कल था, हम लोग चार फ्रेंड्स थे और हम लोग साथ मिलके कॉलेज जाते थे. तो एक दिन क्या हुआ कि बीच में थोड़ा दिनों के लिए गैप हो गया, छुट्टियाँ हो गई थी, 15-20 दिन की तकरीबन थी. तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए जैसे हम लोग निकले, तो मैंने जैसे देखा कि हमारे ग्रुप में एक फ्रेंड थी हमारी, उसकी स्किन सबसे ज़्यादा ग्लो कर रही थी. आज से बहुत साल पुरानी बात है, बहुत ज़्यादा. तो हमने छुट्टे ही सब लोगों ने हमने सबसे बोला, बोलो ना यार क्या कर रही हो तू आजकल, क्या कर रही हो तू आजकल. तो उसने हमें बोला कि जो भी मैं फ्रूट्स खा रही हूँ वो मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ. बस उसने यही वर्ड बोला था और वो मेरे दिमाग में आज तक ऐसा बैठा है, आज तक ऐसा बैठा है कि मैं आपको बता नहीं सकती. मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ें ट्राई करने की कि मैं भी जो फ्रूट्स खाऊँ वो मैं अपने फेस पर लगाऊँ, ऐसा कुछ है. तो फिर इसीलिए आज का जो रेमेडी है वो फ्रूट से रिलेटेड ही है और उसमें मैंने सिर्फ दो ही तीन इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं. तो आप ज़रूर इस फेस पैक को देखें, ट्राई करें और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं. फुल ऑन विटामिन सी से भरपूर है और इसमें मुल्तानी मिट्टी का मैंने इस्तेमाल जो किया है वो आपको गज़ब का कॉम्प्लेक्शन में निखार देता है. तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें. तो चलिए, आपको मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आएँ तो मैं आपको देती हूँ स्किन, हेयर और आपके फैशन से रिलेटेड अपडेट्स. तो आप ज़रूर मेरे साथ कनेक्टेड रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें. साथ ही ऊपर आई बटन पर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं तो आप वो ज़रूर चेक किया करें. एंड मैं उसमें आपको लिंक दूंगी, मेरे हेयर केयर रेमेडी जो होती हैं वो पूरा एक लिस्ट होता है वो भी उसमें दे दूंगी आई बटन में मैं आपको, और पूरा स्किन केयर का भी, ठीक है. तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए. इस D10 फेस पैक को बनाने के लिए आपको लेना है संतरा यानी ऑरेंज. इसके दो पीस लेकर या फिर तीन पीस लेकर आपको जूस जो है इसका वो निकाल लेना है. ऑरेंज में होता है विटामिन सी, साथ ही साथ ये है एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपके फेस पर रिंकल्स के प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर आपके जो एजिंग साइंस हैं उनको भी लाइट करता है. अब इसमें हम ऐड करेंगे फुलर अर्थ यानी कि मुल्तानी मिट्टी पाउडर सिर्फ एक चम्मच, इतना कि आपका जो पैक है वो अच्छे से कंसिस्टेंसी में रेडी हो जाए. अगर आपको लगता है कि थिक कंसिस्टेंसी है यानी थोड़ा गाढ़ा है पेस्ट, तो उसको और अच्छा करने के लिए आप थोड़ा सा इसमें रोज़ वाटर ऐड कर सकती हैं. तब आप अच्छे से इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मिक्स करें. संतरे में विटामिन सी भी होता है तो ये आपकी स्किन को, मेलानिन को डाउन कर आपकी स्किन को ज़्यादा ब्राइट और फेयर बनाता है. उसके अलावा ये आपकी स्किन से किसी भी तरह का सन टैन रिमूव करने में हेल्प करता है. ये तीनों ही चीज़ें नेचुरल हैं आपकी स्किन के लिए. साथ ही साथ रोज़ वाटर जो इसमें ऐड किया गया है वो भी आपकी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखता है. इस फेस पैक को आपको अपने चेहरे पर लगाना है अच्छे से, चाहे तो आप नेक पर, ओवरऑल यहाँ तक कि आप इस फेस पैक को अपने हैंड एंड लेग पर भी ट्राई कर सकते हो. ये इंस्टेंट रिमूव करता है सन टैन नेचुरल तरीके से. इसके बाद आपको अपने फेस पर इस फेस पैक को कम से कम 20 मिनट के लिए रखना है, या फिर आप ये रख सकती हैं कि जब तक ये आपके चेहरे पर कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए यानी कि अच्छे से सूख ना जाए. उसके बाद आप नॉर्मल जिस भी वाटर से आप अपना चेहरा धोती हैं उसी तरह से नॉर्मल फेस को वॉश करना है बिना किसी सोप के लगाए. और उसके बाद अपनी स्किन को क्लीन करने के बाद टोनिंग करना यानी कि टोनर अप्लाई करना मत भूलिएगा. चाहे तो कोई फेवरेट मॉइस्चराइज़र या फिर अगर आपके पास कोई फेवरेट आपका फेशियल ऑयल है तो वो भी आप ट्राई कर सकती है. मतलब यहाँ पर है आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना. बहुत ही ईजी फेस पैक है. सो गाइज, आपने देखा ना किस नेचुरल तरीके से आप भी पा सकते हो अपने कॉम्प्लेक्शन में निखार, अपनी स्किन को ग्लोइंग और स्पॉटलेस बनाकर. तो मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा लंबा इंग्रेडिएंट्स के साथ इस वीडियो को नहीं बनाया था, एक बहुत ही छोटा और अच्छा फेस पैक है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा.
साथ ही अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। एंड लास्ट में वीडियोस में जो आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया था मुझे कमेंट्स लिखकर, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच गाइस, सभी लोगों के लिए। आगे तक हमेशा मेरे साथ बने रहिए और मैं जल्द ही मिलती हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल टाइम लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।